दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो ये 63 वाला हमारा जो क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है देखो, एंड द वेजिटेबल्स प्राइस राइज माइट बी सीजनल, हाउ विल इट इम्पैक्ट द लैंडलेस एंड स्मॉल फार्मर्स। देखो क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ विल इट इम्पैक्ट द लैंडलेस एंड स्मॉल फार्मर्स, माइट बेनिफिट सम फार्मर्स, ठीक है, वाइल द राइज इन प्राइसेस। ये चार आपके सामने सेंटेंस है अलग अलग, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था दोस्तों, कुछ ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई थी है ना, ट्रिक्स दो या तीन तरीके से हम लोग ट्रिक देख सकते हैं। एक तो मैंने बताया था क्या ट्रिक, कि पेयरिंग क्या करना, आपको पेयरिंग बनाना है कोई भी दो है ना, एनी टू कोई भी दो आपका जो पॉइंट है उसकी पेयरिंग बना लो। आप ये देखो कि उसमें पेयरिंग हो रही कि नहीं। एक आप देख सकते हो स्टार्टर्स है ना, स्टार्टर का मतलब होता है कि भाई हमारा जो सेंटेंस है किससे स्टार्टर होता है, स्टार्ट होता है। एक आप ये भी देख सकते हो एंडर, ठीक है, एंडर या फिनिशर, कि किससे हमारा सेंटेंस जो है एंडर हो, एंड हो रहा है या फिनिश हो रहा है, भाई एंड किससे हो रहा है या फिनिश किससे हो रहा है। तो ये दो तीन अलग अलग तरीका है, इससे आप बिल्कुल बहुत आसानी से आंसर पता कर सकते हो, चाहे आपको पूरी तरीके से उसका मीनिंग समझ में ना भी आए। चलो देख लेते हैं, देखो क्या लिखा है, एंड द वेजिटेबल्स प्राइस, एंड द वेजिटेबल प्राइस राइस माइट बी सीजनल, वो जो वेजिटेबल प्राइस राइस है वो सीजनल हो सकता है। हाउ विल इट इम्पैक्ट द लैंडलेस एंड स्मॉल फार्मर, वो कैसे लैंडलेस और छोटे छोटे फार्मर्स को इम्पैक्ट करेगा। माइट बेनिफिट सम फार्मर, कुछ ऐसे फार्मर्स को वो बेनिफिट कर सकता है। वाइल द राइज इन प्राइसेस, जबकि जो प्राइस जो भाव बढ़ने वाले हैं, ठीक। अब एक चीज आप देखो दोस्तों, शुरुआत वाला अगर हम सेंटेंस देखें क्या लिखा हुआ है, एंड द वेजिटेबल प्राइस राइस माइट बी सीजनल, मतलब शुरुआत किससे हो रही है, एंड से। तो जाहिर सी बात है आपका ये जो शुरुआत है ए से जो है आपका शुरुआत नहीं होगा पैराग्राफ का, ए से तो शुरुआत नहीं होगा। ए वाले कितने ऑप्शन से, चलो बताओ, ए आ रहा है क्या, ए आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आपका ए का एक भी ऑप्शन नहीं। एक और चीज भाई, ए से शुरुआत नहीं होगा इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वो कहते हैं ना कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब एक ऑप्शन को तो हटाओ, कौन सा, नो रीअरेंजमेंट, भाई कोई ना कोई रीअरेंजमेंट तो चाहिए ना, नहीं तो यही सही होता हमारा, तो एक ऑप्शन हमने हटा दिया। अब तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि स्टार्टर हमारा कैंसिल हो गया है ना, स्टार्ट नहीं हो रहा है। हम देखते हैं एंडिंग, जो फिनिशिंग मतलब जो लास्ट वाला आपका जो जो सेंटेंस है, लास्ट में जो आपका सेंटेंस है, क्या उसकी प्लेसमेंट सही है, क्या उससे एंडिंग होना चाहिए, देखते हैं। तो लास्ट में आपका क्या लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ, ध्यान से देखना, वाइल है ना, वाइल जबकि द राइज इन प्राइसेस। आप मुझे बताओ क्या इससे ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपका एंड होगा, वाइल द राइज, देखो ये तो शुरुआत ही बता रहा है ना, जबकि द राइज इन प्राइसेस, जबकि जो प्राइस में जो बढ़ावा है उससे कुछ इम्पैक्ट होगा, मतलब राइज इन प्राइसेस ऐसा लग रहा है कि इसके बाद कुछ आना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि डी हमारा एंड में नहीं आएगा, भाई क्या मतलब है इसका कि डी हमारा एंड में नहीं आएगा। देखो वाइल द राइज इन, जबकि जो प्राइस राइज है, जबकि प्राइस राइज है, आगे कुछ बोलना है, मतलब डी एंडिंग नहीं है, तो डी एंडिंग किस में आ रहा है, ये आ रहा है, इसको खत्म करो, डी एंडिंग और का है ना, डी एंडिंग नहीं होगा, मतलब हमने क्या किया दोस्तों, दो ऑप्शन को हमारे एकदम फिनिश कर दिया। अब देखो एंडिंग में क्या है, सी एंडिंग है, देखो जरा सी एंडिंग होता है क्या, सी एंडिंग होता है क्या, सी कहाँ गया, ये रहा, माइट बेनिफिट सम फार्मर, कुछ फार्मर्स को बेनिफिट कर सकता है, माइट बेनिफिट, लेकिन ये कॉमा आ गया, ठीक है, लेकिन ये क्या आ गया, माइट बेनिफिट सम फार्मर्स, कॉमा आ गया दोस्तों, क्या लिखा है, देखो कॉमा। अब मुझे बताओ एंडिंग हम कॉमा से करते हैं या फुल स्टॉप से करते हैं, ये देखो ये होता है ट्रिक, बिना समझे एंडिंग किससे करते हो, कॉमा से करते हो फुल स्टॉप से करते हो, भाई एंडिंग जो है हमेशा फुल स्टॉप से करोगे, क्वेश्चन मार्क से करोगे, कॉमा से थोड़ी करोगे, कॉमा से एंडिंग नहीं होगी, मतलब आपका एक बात तो डन है कि लास्ट में जो है सी तो आएगा नहीं, लास्ट में सी नहीं आएगा तो भैया लास्ट में सी क्यों दिया, रॉन्ग करो, इसमें लास्ट में सी क्यों दिया, रॉन्ग करो, आंसर हमारा आ गया दोस्तों ए वाला, बिना समझे भी हमारा आंसर आ जाता है, ठीक। इसको कहते हैं ट्रिक, और ये बहुत काम आती है जब समय कम होता है, जल्दी करना होता है ना, हालांकि कई बार क्या होता है बच्चों को बहुत समय होता है, समझना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोलता नहीं समझना चाहिए, लेकिन ट्रिक देखो कितनी आसानी से हमने आंसर निकाला, भाई सीधी सी बात है, कॉमा लगा है मतलब एंडिंग नहीं होगा,
फिर यहाँ अलग ही समझ में आ रहा है कि while लिखा हुआ है, इसके बाद कुछ और लिखने की जरूरत है, तो ना तो सी से एंडिंग होगा ना तो डी से एंडिंग होता, तो सी से नहीं होगा कैंसल, डी से नहीं होगा कैंसल, सी से नहीं होगा कैंसल, नो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एंड से शुरुआत हो रही है, कुछ ना कुछ बदलाव करेंगे, मतलब हमारा आंसर आ गया ये। अब इसको कन्फर्म भी कर लो, है ना, ऐसा नहीं हो कि कुछ गलत हो, कन्फर्म कर लो कि भाई सही साठ है या नहीं है। डी से शुरुआत हो रही है दोस्तों, डी नाउन होना चाहिए, देख लेते हैं डी कहाँ है। अच्छा चलिए, नाउन नहीं है, कोई बात नहीं। वाइल द राइज इन प्राइजेस, क्या हो रहा है? वाइल द राइज इन प्राइजेस, हो सकता है बिल्कुल, जबकि या हालांकि जो प्राइज राइज है, प्राइसेस में जो राइज है, राइज इन प्राइजेस माइट बेनिफिट सम फार्मर्स, क्या बोल रहे हैं कि ये हो सकता है ना, ये मान लो या वाइल जो प्राइस राइज है, जब कीमतें बढ़ती है, उससे क्या हो सकता है कि कुछ फार्मर्स को फायदा तो हो सकता है, माइट बेनिफिट सम फार्मर्स। फिर देखो कॉमा, एंड द वेजिटेबल प्राइजेस राइज माइट, अब देखो एक नया सेंटेंस शुरू हो गया। पहले यहाँ पे क्या बात हो रही है कि वाइल ये जो हम लोग यदि प्राइस राइज करते हैं तो उसमें कुछ बेनिफिट को फार्मर को कुछ तो बेनिफिट हो सकता है, और देखो नया सेंटेंस, और जो वेजिटेबल प्राइस राइज है माइट बी सीजनल, देखो माइट बी सीजनल, अच्छा माइट बी सीजनल, ठीक है माइट बी सीजनल हो गया, हाउ विल इट इम्पैक्ट, ये माइट बी सीजनल, उसके बाद यहाँ पे आपका फुल स्टॉप आ जाएगा, ध्यान देना, माइट बी सीजनल फुल स्टॉप आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा, हाउ विल इट इम्पैक्ट द लैंडलेस एंड स्मॉल फार्मर्स, ठीक है ये आपका सही फॉर्मेशन है। देखो आप एक बार पढ़ते हैं, while the rise in prices might benefit some farmers and the vegetable prices price rise might be seasonal, how will it impact the landless and small farmers, ये आपका full stop करके भी आ सकता है और ये आपका दोस्तों comma करके भी आ सकता है। यहाँ comma लगाया और यहाँ पे प्रश्न पूछा, एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि भाई ये माना हमने, ठीक है ये माना हमने कि प्राइस जब बढ़ते हैं, भाव सरकार कुछ अच्छी भाव देती है फसल की, तो उससे कुछ फार्मर्स को फायदा भी होता है, और उसके साथ साथ जो है देखो एंड आया तो सिमिलर सेंस का, उसके साथ वेजिटेबल जो सब्जियों के भाव बढ़ते हैं वो भी थोड़े सीजनल है, लेकिन वो लैंडलेस जिसके पास ज़मीन ही नहीं है, जो बेचारे छोटे मोटे फार्मर्स हैं, उनको कैसे इम्पैक्ट करेगा, उनको कैसे चेंज लाएगा, ठीक बिल्कुल मीनिंगफुल बन रहा है, मतलब आंसर हमारा आ गया दोस्तों, ए वाला हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 64 वाला, टू स्पेसिफिकली टारगेट द वायरस, ध्यान देना, टू स्पेसिफिकली टारगेट द वायरस, चाइना इंटीमेटेड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नियरली अ मंथ आफ्टर अबाउट 2019 एन कोविड, है ना ये इसका नाम है, ठीक है 2019 एन कोविड, ठीक है 2019 हो गया आपका एन कोविड इसका नाम है, देयर इज नो ड्रग। चलिए अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें फिर से हम लोग भाई तीन तरीके अपनाते हैं, या तो आप पेयरिंग करो, ठीक है या फिर स्टार्टर वाला देख लो या फिर एंडिंग वाला देख लो। चलिए कोशिश करते हैं, टू स्पेसिफिकली टारगेट द वायरस, अब मुझे एक चीज बताओ, टू स्पेसिफिकली टारगेट द वायरस चाइना इंटीमेटेड, है ना टू स्पेसिफिकली टारगेट द वायरस, मतलब जो वायरस है उसको स्पेसिफिकली टारगेट करने के लिए चाइना इंटीमेटेड द वर्ल्ड, बिल्कुल हो सकता है, मान लो इससे जो है शुरुआत अपन कर सकते हैं। चलिए तो चाइना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नियरली अ मंथ आफ्टर अबाउट, अच्छा ये बताओ मुझे आफ्टर, नियरली अ मंथ आफ्टर और आफ्टर के बाद अबाउट आ गया, अब मुझे बताओ दो दो प्रिपोजिशन आ सकते हैं क्या आफ्टर अबाउट, अच्छा आ भी सकते हैं लेकिन क्या यहाँ पे आने यहाँ पे मैच कर रहे हैं, है ना ये भी प्रीपोजिशन, ध्यान देना दोस्तों ये भी प्रीपोजिशन और अबाउट ये भी आपका क्या है, ये भी आपका प्रीपोजिशन, मतलब आपका कुछ भी हो दोस्तों सी और डी की आपकी पेयरिंग नहीं बनने वाली, सी और डी की आफ्टर अबाउट नहीं जम रहा है आफ्टर अबाउट, है ना सी डी की पेयरिंग नहीं बनने वाली, सी डी की पेयरिंग है क्या कहीं पर, सी और डी की पेयरिंग है, ठीक रॉन्ग हो गया, सी डी का पेयरिंग है क्या, सी डी सी डी नहीं है, है ना बाकी सी डी का पेयरिंग नहीं है, चलो एक ऑप्शन तो हमने हटा दिया। अब आगे देखते हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर अबाउट 2019 कोविड कोरोना वायरस देयर इज नो ड्रग, अच्छा देयर इज नो कॉमा के बाद देयर इज नो ड्रग,
ओके, तो इंटीमेटेड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा देखो, एक एक बहुत बढ़िया सी इसके अंदर हिंट दी हुई है दोस्तों। क्या हिंट दी? ये आपका वर्ड है इंटीमेटेड, ठीक है। इंटीमेट करना मतलब उस चीज़ के बारे में पहले से सतर्क कर देना, ठीक है। इंटीमेट करना मतलब उस चीज़ के बारे में सतर्क करना, ठीक है। उसको अलार्म करना, उसको बता देना, बताना, पहले से उसकी जानकारी दे देना। दोस्तों एक चीज़ याद रखो, इंटीमेट के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। कौन सा? इंटीमेट। इंटीमेट के साथ जो है एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है अबाउट। कौन सा होता है दोस्तों? अबाउट। तो इंटीमेट के बाद अबाउट। तो देखो, चाइना इंटीमेटेड अबाउट, ठीक है। देखो आगे, देखो चाइना इंटीमेटेड, भाई चाइना ने किसको इंटीमेट किया? द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को किया। किसके बारे में? के बारे में। तो ये हो गया अबाउट 2019 कोविड। चाइना ने इंटीमेट किया था, चाइना ने इशारा किया था, सतर्क किया था। किसको सतर्क किया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सतर्क किया था। किसके बारे में? के बारे में। अबाउट 2019 कोविड, मतलब इन दोनों की पेयरिंग बन रही है दोस्तों, ठीक है। देखो ये इस तरीके से हमने पता किया, फिक्स प्रीपोजिशन का ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। फिक्स प्रीपोजिशन आ गया, तो क्या हो गया हमारा? बी और आपका डी, बी डी का आपका पेयर है दोस्तों, बी और डी का आपका पेयर है। देखो जरा, बी डी कहाँ गया, बी डी कहाँ है, बी डी कहाँ है, ये तो कैंसिल कर दिया। बी और डी नहीं है, अलग अलग है दोस्तों, तो डी ऑप्शन कैंसिल। देखो कितना आसान तरीके से पता करा, बी डी अलग अलग, डी भी नहीं, बी डी अलग अलग है, आंसर कैंसल। बचा क्या? ये हमारा बचा, तो ये हो सकता है। और बताओ, नो रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या? नो रीअरेंजमेंट तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इंटीमेटेड के बाद डी है, मतलब ये आपका ये जो पॉइंट नहीं आएगा, मतलब नो रीअरेंजमेंट भी नहीं है, मतलब आंसर आ गया दोस्तों, आंसर आ गया, ठीक। कैसे आ गया? देखो ये वाला हमारा आंसर है सी बी डी ए। अब इसको मैच कर लेते हैं, तो सी से शुरू करो, चलिए सी से शुरू कर देते हैं। सी कहाँ है? ये रहा। अच्छा सी से शुरू करते हैं, ये रहा सी, नियरली। चलो नियरली अ मंथ आफ्टर, मतलब लगभग, नियरली एक महीने बाद, है ना, एक महीने बाद क्या हो रहा है? एक महीने बाद क्या हो रहा है? चाइना इंटीमेटेड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बिल्कुल एक महीने के बाद, ठीक है ना, एक महीने के बाद चाइना ने इंटीमेट करा किसको? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। किसके बारे में? अबाउट कोविड 19 एंड कोविड के बारे में करा, है ना, एंड कोविड के बारे में करा। उसके बाद अच्छा, देयर इज नो ड्रग, है ना, देयर इज नो ड्रग टू स्पेसिफिकली टारगेट द वायरस। देखो उसके बाद इतना करा, लेकिन उसके बावजूद जो है वहां पर कोई भी ड्रग नहीं था। ड्रग का मतलब होता है यहाँ पे दवाई, तो देर इज नो ड्रग, अच्छा कोई भी ड्रग नहीं था, क्यों? टू स्पेसिफिकली टारगेट, मतलब वो ड्रग जो कि स्पेसिफिकली टारगेट करे किसको? उस वायरस को, ठीक है, क्लियर हुआ? तो आंसर हमको पता चल गया। फिर से पढ़ते हैं एक बार, बड़ा मजेदार है। देखो आप, नियरली अ मंथ आफ्टर, एक महीने के बाद में जो है चाइना ने इंटीमेट करा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अबाउट कोविड 19 के बारे में, और उसके बाद कॉमा है, नया सेंटेंस शुरू हो गया, देर इज नो ड्रग, कोई भी ड्रग नहीं था टू स्पेसिफिकली टारगेट, है ना, चिन्हित करके टारगेट करे द वायरस, ऐसा जो वायरस को टारगेट करे, ठीक है दोस्तों, है मजेदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 वाला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्या लिखा है। दे नेचुरली अट्रैक्ट अ ह्यूज नंबर ऑफ डैश as the competitive examination are necessary few hundreds or few thousand seats, candidates who compete only for a dash, है ना, for a to acquire entry into the distinct destination। दोस्तों colored वाला एक sentence आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, ये जो है ये आपका starter है, ये क्या है दोस्तों आपका, ये आपका starter है, मतलब sentence की जो शुरुआत है वो हम लोग इससे करेंगे, किससे करेंगे? starter से करेंगे। चलिए starter है हमारा, क्या लिखा हुआ है? as, ठीक है ना दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? As the competitive examinations are necessary, जैसे कि competitive examinations जो है वो क्या है हमारे लिए, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत necessary है, ठीक है। आगे देखते हैं, as the competitive examinations are necessary, first क्या लिखा है? They naturally attract a huge number of, ये जो competitive exam है वो naturally attract करती है, क्या करती है? Huge number of, देखो दोस्तों मैंने फिर इसमें बताया ट्रिक हमको करना है, लास्ट एंडर देखो, एंडिंग में देखो, ये देखो यूज नंबर ऑफ, दोस्तों क्या आया? यूज नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ आया, अब नंबर ऑफ आता है बेसिकली यूज, देखो यूज नंबर ऑफ आया, मतलब इसके बाद जो है आपका प्लूरल नाउन आने वाला है,
यूज नंबर ऑफ के बाद यहाँ पे क्या आने वाला है, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन देख लेते हैं, यूज नंबर ऑफ, देखो इधर इधर यहाँ पे बात हो रही है यूज, है ना, यूज नंबर ऑफ, और इस पॉइंट पे दिया हुआ है फ्यू हंड्रेड्स, तो भाई यूज नंबर ऑफ फ्यू हंड्रेड, या तो फ्यू नंबर ऑफ या नंबर ऑफ हंड्रेड्स बता दो, यूज नंबर ऑफ फ्यू हंड्रेड्स नहीं होता है, यूज नंबर ऑफ फ्यू हंड्रेड्स नहीं होता है, इसका मतलब ए और बी का पेयरिंग नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, ए और बी का पेयरिंग आपका बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो यूज नंबर ऑफ के बाद फ्यू हंड्रेड क्यों आया, यूज नंबर ऑफ हंड्रेड्स हो सकता था, ठीक है, तो ए और बी का पेयरिंग हटाओ, ए बी का पेयरिंग का है आपके सामने, ए बी का पेयरिंग ये देखो इसमें आ रहा है, ए और बी का पेयरिंग, मतलब सी वाला आपका ऑप्शन क्रॉस हो गया, ठीक है, सी वाला ऑप्शन क्रॉस हो गया दोस्तों। ये देखो, अरे यार हर जगह ए बी, देखो हद कर दी इन लोगों ने, हर जगह ए बी दे दिया, जबकि थोड़ा सा भी अगर हमारे बच्चे जो है दिमाग लगाए तो उनको पता चल जाएगा कि आप देखो यूज नंबर ऑफ ऑफ आया, उसके बाद फ्यू हंड्रेड्स आएगा ही नहीं, ठीक है, ये फ्यू आएगा ही नहीं, क्योंकि एक तरफ यूज एक तरफ यू, कंफ्यूज कर देंगे ये तो, ठीक है, तो तीन ऑप्शन तो हमने वैसे ही गायब कर दिए, तो आंसर तो हमारा वैसे ही पता चल गया, बस ये देखना है कि नो इम्प्रूवमेंट या नन ऑफ द अबव होगा या नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं, तो यूज नंबर ऑफ और अ फ्यू हंड्रेड थाउजेंड सीट्स, आगे देख लेते हैं, फ्यू हंड्रेड सीट्स, फिर क्या लिखा है, कैंडिडेट्स हु, देखो फ्यू हंड्रेड सीट्स, कैंडिडेट हु कम्पीट ओनली फॉर अ, ये ध्यान दो दोस्तों, ओनली फॉर अ, दोस्तों अ आया, ओ आया, आ आया, इसका मतलब आपका यहाँ पे कोई नाउन आने वाला है, ठीक है ना, अ के बाद जो है क्या आने वाला है, कोई नाउन आने वाला है, और दोस्तों वो नाउन जो है वो नाउन आपका सिंगुलर नाउन आने वाला है, वो नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर नाउन, क्यों, क्योंकि अ आपका आर्टिकल आ गया, मतलब एक चीज तो डन है कि टू नहीं आएगा, है ना, मतलब नन ऑफ दीज तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा, नो इम्प्रूवमेंट का तो यहाँ पे बात नहीं हो रही है, मतलब आपका ई वाला ऑप्शन हमने क्रॉस आउट कर दिया, मतलब आंसर दोस्तों हमारा डी वाला हो गया। देखो कितना आसानी से, कितना ईजी तरीके से, बिल्कुल ट्रिक लगा के एक झटके में, एक मुश्किल से हमको 20 सेकंड लगे होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इतना आसानी से हम लोग अरेंजमेंट के, रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ट्रिक अगर आपको समझ में आ जाए तो, ठीक है। देखो डी ए सी बी, अब हम लोग इसको कंफर्म कर लेते हैं कि ये बराबर है या नहीं है, ठीक है, तो डी ए सी बी, डी से शुरुआत करते हैं दोस्तों, कहाँ है डी हमारा, ये रहा डी हमारा, क्या हो रहा है, टू अक्वायर, है ना, यहाँ से बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, टू अक्वायर एंट्री इन टू द डिस्टिंक्ट डेस्टिनेशंस, देखो क्या बोल रहे हैं, टू अक्वायर, अच्छा सॉरी शुरुआत तो ये इससे करेंगे ना, यहां से देखो, एज द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन आर नेसेसरी, देखो एज द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन आर नेसेसरी, क्या बात हो रही है, जैसे कि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो होती हैं वो बहुत जरूरी होती है, नेसेसरी टू अक्वायर, क्या नेसेसरी, टू अक्वायर, प्राप्त करने के लिए, क्या देखो नेसेसरी के बाद टू एक बार बिल्कुल बराबर है, तो नेसेसरी टू अक्वायर एंट्री इन टू द डिस्टिंक्ट डेस्टिनेशन, भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि हम उसमें एंट्री मार लें, उसका प्री क्लियर कर लें, ठीक है, तो ये हो गया टू एंट्री इन टू द डिस्टिंक्ट डेस्टिनेशन, अलग अलग डेस्टिनेशन में एंट्री कर लें, उसके बाद सी वाला आपका पॉइंट, नहीं नहीं उसके बाद ए पॉइंट, ठीक है, इन टू द डेस्टिनेशन, आगे देखो क्या है, दे नेचुरली अट्रैक्ट अ ह्यूज नंबर ऑफ, ये क्या करती है, जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होती है नेचुरली ये क्या करती है, अट्रैक्ट करती है अ ह्यूज नंबर ऑफ, देखो ह्यूज नंबर ऑफ के बाद क्या आ गया यहाँ पे, कैंडिडेट्स, देखो ह्यूज नंबर ऑफ बिल्कुल सही है, यहाँ पे नंबर ऑफ मैंने क्या कहा था दोस्तों, प्लूरल नाउन यहाँ पे हमको लगाना है, तो मतलब प्लूरल नाउन यहाँ पर आ गया हमारा, तो देखो ह्यूज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु कम्पीट ओनली फॉर अ, क्या ओनली फॉर अ, देखो ओनली फॉर अ फ्यू हंड्रेड्स और फ्यू थाउजेंड सीट्स, ठीक, मतलब एकदम कंफर्म हो गया कि डी वाला जो है दोस्तों हमारा राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है, इफ वी डोंट ऑफर अ गुड प्राइस फॉर द हाउस नाउ वी विल प्रोबेबली मिस द बोट, दोस्तों ये आपका फ्रेज है, मिस द बोट फ्रेज है, और इस फ्रेज के बारे में आपको एक चीज बताऊंगा, ठीक है, बिल्कुल साफ साफ मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि फ्रेज में कोई शॉर्टकट नहीं, ठीक है ना, फ्रेज में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कोई ट्रिक मत लगाओ, थोड़ा इजी फ्रेज आ जाए तो हमारी किस्मत, लेकिन किस्मत पे भरोसे ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकना है, हमको मेहनत करना है, फ्रेजेस को तो बिल्कुल पढ़ना है हमको दोस्तों, फ्रेज का ऐसा है कि कई बार इजी आ जाता है, कई बार हमको आसानी से पता चल जाता है कि हाँ ये वाला हो सकता है, हिंट उसके अंदर आ जाती है, लेकिन कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो बिल्कुल कन्फ्यूजिंग होते हैं, अलग मीनिंग का लगेगा लेकिन होता कुछ और है, ठीक है, जैसे
ये मिस द बोट, ये भी आपका बड़ा कंफ्यूजिंग है। ये इतना आसान लग रहा है तीन शब्दों वाला फ्रेज, लेकिन इतना आसान नहीं है। ठीक है, आप खुद ट्राई करो, बताओ जरा क्या होना चाहिए। देखो क्या लगा हुआ है, प्रोबेबली मिस द बोट, एक्ट प्रोएक्टिवली, मतलब एकदम एक्टिवली एक्ट करना। फिर दूसरा क्या, बींग टार्डी, टार्डी का मतलब होता है लेजी, है ना, टार्डी का मतलब होता है लेजी, टालना या डिले करना। ठीक है, डिले करना या किसी चीज को लेट कर देना, क्या कर देना, चीजों को लेट कर देना, ये सेंस में टार्डी का मतलब निकल कर आता है। फेस एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, एक अनप्लीजेंट ऐसी परिस्थिति को सामना करना जो हम नहीं चाहते, है ना। वेट अ लिटिल, थोड़ा इंतजार करना, है ना, ये सेंस आ रहा है। अब मीनिंग देख लेते हैं, इफ वी डोंट ऑफर अ गुड प्राइस, अगर हम अच्छा कीमत नहीं चुकाएंगे फॉर द हाउस नाउ वी विल प्रोबेबली मिस द बोट, मतलब अभी जो है एक इस घर के लिए अच्छी कीमत, अच्छा प्राइस अगर हम लोग नहीं चुकाएंगे तो हम क्या कर देंगे, हम मिस द बोट कर देंगे, जो हमारी बोट है उसको मिस कर देंगे। क्या सेंस आ रहा है, मिस द बोट कर देंगे, मतलब प्रोएक्टिवली पहले से एक्ट करने वाली बात हो रही है। फेस एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, ये देखो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा, हाँ सर अगर ऐसा नहीं होगा, हम अच्छा प्राइस नहीं करेंगे घर के लिए, तो हमको आगे चल के एक खराब सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। बिल्कुल बहुत सारे बच्चों को लगेगा ऐसा। फिर वेट अ लिटिल के सेंस से मिस द बोट, है ना, या फिर बींग टार्डी, क्या होना चाहिए, बहुत सारे बच्चे आप लोग ये बताओगे, है ना, बहुत सारे बच्चे ये बताओगे, कुछ बच्चे डी बताओगे, कुछ बी, लेकिन दोस्तों ये रॉन्ग है। ठीक, इसमें जो है मिस द बोट का एक्चुअल मीनिंग होता है बीइंग लेजी, वी विल हाउस नाउ वी विल प्रोबेबली मिस द बोट, बीइंग लेजी, बीइंग डिले, क्या हो जाएगा, बीइंग लेट, हम लोग लेट हो जाएंगे। मिस द बोट का मतलब होता है बीइंग टार्डी, बहुत लेजीनेस, हम लोग लेजी हो जाएंगे, हमको जो है आप बोल सकते हो देर हो जाएगी, है ना, किस सेंस में बात हो रही है यहाँ पे, देखो देर हो जाएगी, बींग टार्डी का मतलब होता है यहाँ पे डिले हो जाना या देर हो जाना, क्या हो जाना, देर हो जाना, यहाँ पे वही बात हो रही है कि भैया वी विल मिस द बोट का मतलब है बहुत देर हो जाएगी, तो देर हो जाएगा, एक प्रोएक्टिवली नहीं आ रहा है, फेस एन अनप्लीजेंट सिचुएशन नहीं आ रहा है, वेट अ लिटिल इंतजार करने के सेंस से नहीं आ रहा है, बींग टार्डी जो है आपका एक्चुअल इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो इसके फ्रेजेस जो होते हैं उसमें आपको बिल्कुल मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप इसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तुक्के काम नहीं आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने है, 67 का क्वेश्चन वापस हमारा आ गया, फ्रेज का क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपके सामने जो है एक फ्रेज है, क्या लिखा हुआ है, अ पीस ऑफ केक। ठीक है, तो ये फ्रेज का मीनिंग यदि हमको पता है तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये इजी है, चलिए देख लेते हैं। द स्टंट दैट आई रिसेंटली अटेम्प्टेड वॉज अ पीस ऑफ केक, वो जो स्टंट है, स्टंट जो है जो मैंने अभी रिसेंटली अभी अभी अटेम्प्ट किया, जो मैंने किया है ना, वो क्या है, पीस ऑफ केक है। अब पीस ऑफ केक है मतलब क्या, वो आपका ये आपका पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, मतलब इजी भी हो सकता है, ठीक है ना, या फिर वो आपका टफ भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है ना, दोनों में से कोई एक होगा। मीनिंग तो हमको यही समझ में आ रहा है कि जो स्टंट जो मैंने अभी अभी किया है वो क्या है, वो एक तरह से पीस ऑफ केक है, मतलब केक का टुकड़ा है, नहीं वो नहीं है, अलग ही इसका मीनिंग है। ठीक है, पीस ऑफ केक या तो आसान है या कठिन है, लेकिन अब कैसे डिसाइड करें क्या आसान है क्या कठिन है, भाई तुक्का नहीं मार सकते हैं। देखो टफ वर्क भी लिखा हुआ है, इजी टास्क भी लिखा हुआ है, तुक्का बिल्कुल नहीं चलेगा दोस्तों, इसमें आपको पता ही होना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत आसान, बहुत आसान। ठीक है, पीस ऑफ केक का मतलब बिल्कुल एक एक निवाले की तरह है, पीस ऑफ केक में क्या होता है, केक उठाया खाया हजम हो गया, बहुत आसानी से खा सकते हैं, है ना, तो आपको याद रखना पड़ेगा पीस ऑफ केक का मतलब होता है वेरी इजी, है ना, क्या होता है, वेरी इजी टास्क, कैसा टास्क था, ये बहुत ही आसान टास्क था। ठीक है, और जिसको ये इसका मीनिंग पता है उसके लिए ये बहुत ही, ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर, ये उस बंदों के लिए, उन बंदों के लिए पीस ऑफ केक है, मतलब बहुत आसान है, लेकिन मीनिंग थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, पीस ऑफ केक का मतलब वेरी आसान, वेरी इजी, और कुछ नहीं देखना। ठीक है, इजी टास्क, बाकी कुछ भी नहीं। चलिए 68 वाला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यू टू सम रीजंस द बॉस डैश द एनुअल मीटिंग टिल द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, क्या मीनिंग हो रहा है, ड्यू टू सम रीजन, कुछ कारण से, ठीक है,
कुछ कारणों से, कुछ कारणवश बॉस जो है उन्होंने क्या करा, डैश द एनुअल मीटिंग टिल द नेक्स्ट मंथ, उन्होंने एनुअल मीटिंग को डैश कर दिया। कोई ना कोई वर्ब है ना, ये आपका एक्सक्यूज मी, ये आपका जो है दोस्तों फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? फ्रेजल वर्ब का। देखो फ्रेजल वर्ब्स दिया हुआ है, तो कुछ कारण से जो है बॉस ने मीटिंग को क्या कर दिया, डैश द एनुअल मीटिंग टिल द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक कर दिया, मतलब उसको कैंसिल नहीं करा, उसको क्या कर दिया, टाल दिया, उसको आगे बढ़ा दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया, है ना। क्या मीनिंग निकल के आ रहा है इसमें, पोस्टपोन, पोस्टपोन करने के सेंस से यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं, फर्स्ट वाला हमारा फ्रेजल वर्ब है किक ऑफ। किक ऑफ दोस्तों, किक ऑफ का मतलब होता है एकदम शुरू, स्टार्ट करना, कोई इवेंट स्टार्ट करना, कोई फंक्शन स्टार्ट करना, कोई समिट स्टार्ट करना, कोई कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करना, कोई भी इवेंट स्टार्ट करने से बात होती है किक ऑफ। देखो ये किक ऑफ का मतलब होता है स्टार्ट एन इवेंट, ठीक है, कोई इवेंट या फिर कोई फंक्शन, ठीक है, कोई फंक्शन, कोई प्रोग्राम, ठीक है, कोई भी कुछ भी ऐसा इवेंट्स, फंक्शन, प्रोग्राम, कॉन्सर्ट, किसी भी इवेंट, इस तरह की चीज़ों को स्टार्ट करने में हम लोग बोलते हैं किक ऑफ, है ना। द मूवी शो वॉज किक्ड ऑफ, मूवी शो जो है वो शुरू हो गया, तो किक्ड ऑफ हो गया। पुट अप विथ, पुट अप विथ का मतलब होता है उसको ठंडे बस्ते में डाल देना, ठीक है, ये सेंस में भी आ सकता है, या फिर पुट ऑफ विथ जो वर्ड है दोस्तों आपका, इसका मीनिंग आता है किसी चीज को सहन करना, क्या करना, सहन करना, ठीक है, या बेयर, टू बियर, है ना, टू बियर, या फिर बर्दाश्त करना, है ना, वही बर्दाश्त करना, उस चीज को बर्दाश्त करना, या फिर होल्ड, होल्ड करना, इस सेंस में जो है इसका मीनिंग आना है। पुट अप विद जो है पेयर करना, बर्दाश्त करना, उसको सहना, उसको होल्ड करना, है ना। जैसे ड्यू टू द कोरोना आई हैव टू पुट अप विद द ओल्ड क्लोथ्स विच आई हैव, है ना, कि कोरोना के कारण जो है मुझे अपने पुराने जो कपड़े थे उसी से काम चलाना पड़ा, है ना, तो बर्दाश्त करना पड़ा, पुट अप विद ओल्ड क्लोथ्स, है ना, तो यहाँ पे काम चलाने के सेंस से भी यहाँ पे ये मीनिंग आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, काम चलाना, इस सेंस से भी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि काम चलाना। चलिए पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है आपका कैंसिल करना या फिर पोस्टपोन करना, ठीक है, दोनों सेंस में आ जाता है। पुट ऑफ मतलब चीज़ों को कैंसिल करना या फिर चीज़ों को पोस्टपोन करना, उसको टाल देना, ठीक है, उस सेंस में यहाँ पे मीनिंग आ रहा है। क्या करना, चीज़ों को, कोई भी इवेंट को, किसी को टाल देना, टाल देने के सेंस में आपका दोस्तों पुट ऑफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पुट ऑफ, मतलब हमारा सी वाला जो है राइट आंसर। देखो आप, ड्यू टू सम रीजन, कुछ कारणों से क्या हुआ कि द बॉस, बॉस ने क्या करा, बॉस पुट ऑफ, पुट ऑफ कर दिया, क्या कर दिया, द एनुअल मीटिंग टिल द नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे तक बॉस ने जो मीटिंग, जो मीटिंग थी उसको पुट ऑफ कर दिया, उसको टाल दिया, उसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। पुट फोर्थ, पुट फोर्थ का मतलब होता है सामने रखना कोई भी मुद्दा, लेकिन जैसे द रिसेंटली मेट मिनिस्टर पुट फोर्थ द इशू ऑफ गंगा रिवर, तो जो नया नॉमिनेटेड जो मिनिस्टर है उसने क्या करा, प्रेजेंट किया, ये सामने रखा, क्या, एक इशू ऑफ गंगा रिवर, गंगा रिवर का जो मुद्दा है उसको सामने रखा, तो पुट फोर्थ का मतलब होता है प्रेजेंट, टू प्रेजेंट, ठीक है, टू प्रेजेंट, है ना, टू प्रेजेंट, या फिर उजागर करना, ठीक है, पुट फोर्थ का मतलब होता है सामने रखना, सामने रखना, या फिर इंट्रोड्यूस करना, प्रेजेंट करना या फिर इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, या फिर हाईलाइट करना, ठीक है, हाईलाइट करना, ये तरीके से टू प्रेजेंट, टू इंट्रोड्यूस, टू हाईलाइट, उसको सामने रखना, ठीक है, इस तरीके से इसका मीनिंग आता है निकल के पुट फोर्थ, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चारों आपके फ्रेजल वर्ब्स, किक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को शुरू करना, बट बेसिकली किसको शुरू करना, देखो पुट फोर्थ का मतलब प्रेजेंट करना, सामने रखना, और ये किक ऑफ जो है किसी इवेंट को शुरू करने के सेंस में आता है, ठीक है। पुट ऑफ विद का मतलब होता है उस चीज को बेयर करना, उसको सहन करना, ठीक है। पुट ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, पोस्टपोन करना। पुट फोर्थ का मतलब होता है सामने रखना, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 69 हम लोग देख लेते हैं। आप देखें, आई रीच द मीटिंग प्लेस लेट एट नाइट एज माय कार डैश सडनली ऑन द हाईवे। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि आई रीच द मीटिंग, मैं रीचिंग में पहुँचा। कैसे पहुँचा? लेट एट नाइट, रात को मैं लेट पहुँचा। क्यों पहुँचा? एज माय कार, जो मेरी कार है वो डैश सडनली ऑन द हाईवे, एकदम से हाईवे पर क्या हो गई? डैश हो गई। डैश हो गई मतलब खराब होने की यहाँ पर बात हो रही है ना, खराब होने की बात हो रही है। ये हमारे पास चार आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं। देखो, एक्टेड अप, ये जो वर्ड है दोस्तों आपका, कौन सा? एक्टेड अप, इसका मतलब होता है फंक्शन इम्प्रॉपरली। क्या मतलब होता है फंक्शन इम्प्रॉपरली? मतलब ये बेसिकली एक्टिंग करने के सेंस में है, कोई कार्य जो है उसको ठीक से ना कर पाना लेकिन उसका दिखावा करना, उस सेंस में भी हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। जैसे अगर किसी को बोलना है कि भैया ठीक से काम करो, है ना, डोंट ट्राई टू एक्ट अप, भाई एक्टिंग मत करो, बहाने मत बनाओ, या बस दिखावा मत करो कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और असल में कुछ कर नहीं रहे हो, है ना। तो एक्टेड अप जो है फंक्शन इम्प्रॉपरली के सेंस में आपका निकल के आता है, ठीक है। एक होता है ब्रोक ऑफ। ब्रोक ऑफ जो वर्ड होता है, जैसे ब्रेक ऑफ वर्ड है उसी प्रकार से ब्रोक ऑफ, ब्रेक ऑफ हो जाता है भाई, गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से ब्रेक ऑफ हो जाता है। इसी का ब्रेक का सेकेंड फॉर्म ब्रोक ऑफ हो गया। ब्रोक ऑफ का मतलब आपका होता है सेपरेशन, ठीक है, सेपरेट होना, अलग होना, अलग होने के सेंस में जो है हम लोग ब्रोक ऑफ या फिर ब्रेक ऑफ बोलते हैं। जैसे आई ब्रोक ऑफ ओके फ्रॉम माय ओल्ड फ्रेंड, मेरा जो पुराना दोस्त था उससे मैं ब्रोक ऑफ हो गया, सेपरेट हो गया, अलग हो गया। एक होता है एक्टेड अपॉन। एक्टेड अपॉन मतलब किसी के ऊपर क्रियान्वयन करना, कोई कार्य करना, ठीक है, किसी पर कार्य करना, ठीक है। टू वर्क ऑन समथिंग, ठीक है, किसी के ऊपर कोई काम करना, कोई कार्य करना, किसी जैसे सपोज नए प्रोजेक्ट पर काम करना, ठीक है, तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि आई एक्टेड अपॉन न्यू प्रोजेक्ट। भाई एक जो प्रोजेक्ट है उस पर मैं एक्टेड अपॉन किया, मतलब उस पर काम करना जो है मैंने शुरू किया, उस पर शुरू कर दिया काम करना। टू वर्क ऑन समथिंग, ठीक है, उसका मतलब होता है एक्टेड अपॉन। दोस्तों ब्रोक डाउन जो वर्ड है इसका मतलब होता है खराब होना, ठीक है, ठीक से काम नहीं करना, इसका मतलब होता है स्टॉप वर्किंग। ब्रोक डाउन का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग। और जनरली ये जो वर्ड हैं ये हम किसी व्हीकल के लिए यूज़ करते हैं या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ करते हैं या फिर किसी गैजेट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो होता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ब्रोक डाउन। जैसे माय वॉच ब्रोक डाउन, मतलब मेरी जो वॉच है वो ख़राब हो गई, इम्प्रॉपर वर्क कर रही। माय कार ब्रोक डाउन, वो भी ठीक से काम नहीं कर रही है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल देखें, आई रीच द मीटिंग प्लेस लेट एट नाइट, मैं जो है मीटिंग प्लेस पर रात को लेट पहुँचा। क्यों? चूँकि मेरी जो कार है वो क्या हो गई दोस्तों, वो हो गई ब्रोक डाउन, ठीक है, खराब हो गई, ठीक है, ठीक से काम नहीं कर रही है सडनली ऑन दी हाईवे। मतलब डी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब आप देखें 70 वाला क्वेश्चन, द बॉय ब्रोक द विंडो एंड टुक टू हिज हील। अब दोस्तों ये आपका जो है टुक टू हिज हील, ये क्या है आपका? ये आपका फ्रेज है, ठीक है, एक फ्रेज है, और इसका जो मीनिंग है वो एकदम स्पेसिफिक इसका मीनिंग होता है, एकदम यूनिक मीनिंग होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, आप इसमें तुक्का नहीं मार सकते हो। तो टुक टू हिज हील का मतलब क्या होता है भाई? हील मतलब क्या होता है? पैर। अब जब हील पे अपने ऐसे खड़े होते हैं मतलब क्या है? तो इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है कि भाग गया,
ठीक है, टुक टू हिज हील का मतलब होता है भाग गया, लपक गया, है ना, उस तरीके से देखो। तो बॉय ब्रोक द विंडो, पहले तो क्या करा उसने, पत्थर उठाया और धम से उसने क्या करा, विंडो को तोड़ा और फिर भाग गया, है ना। तो टुक टू हिज हील, समझ में आ रही बात, टुक टू हिज हील मतलब भाग जाना, तो भाग जाना या रन, रन भाग जाना, रन इमीडिएटली, उसके अलावा कुछ नहीं होना है, ठीक है। तो क्या है हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा दोस्तों, रन अवे, भाग गया। एंटर फोर्सिबली मतलब एकदम जबरदस्ती कहीं पर घुस जाना, वो नहीं होगा। कंटिन्यू विद सेम पैशन, उसी पैशन से उसी जज्बे से काम करना, वो भी नहीं होगा। वेट ईगरली बहुत देर तक इंतजार करना, वो भी नहीं होगा, ठीक है। ए वाला हमारा जो है राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।